आरोग्य जागृति। आज हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर धनंजय घुगे हैं। डॉक्टर धनंजय की न्यू जनरेशन को एक सलाह, अगर कैंसर से बचना है तो इन चीजों का रखे ख्याल। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। अगर इसका पहली या दूसरी स्टेज पर पता लग जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कैंसर से फाइट करें और बुरी आदतों से दूर रहें। सुनिए क्या बता रहे हैं डॉक्टर धनंजय घुगे आरोग्य जागृति में। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आरोग्य जागृति में आज हम कैंसर तज्ञ डॉक्टर धनंजय घुगे साहब से बात करने वाले हैं। आज कैंसर ये बीमारी दिन पर दिन ज़्यादा पनप रही है, जिसमें मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। इस कैंसर के बारे में डॉक्टर धनंजय घुगे साहब हमें स्पेशल जानकारी देंगे। क्या मुंह का कैंसर किस वजह से होता है? मुंह का कैंसर होने के बाद हम लोग काफ़ी डर जाते हैं। ये टेस्ट कैसी की जाती है? टेस्ट होने के बाद मान लो अगर कैंसर डिटेक्ट भी होता है, ऐसे में हम न घबराते हुए उसका उपचार भी है और अच्छी तरह से होता है। रहा खर्चे की बात, यह भी शासन के कोई योजना के माध्यम से कर सकते हैं, तो डॉक्टर धनंजय घुगे साहब से हम इस कैंसर के ऊपर स्पेशली जानकारी चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आज दिन ब दिन मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये नौजवान युवक में इसका कारण बहुत ज़्यादा है, आप भी मानते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बूढ़ों में भी है, जवान में भी है और बच्चों में भी हो रहा है। जैसा देखा गया कि अब 12-15 साल के बच्चे भी आज टोबैको चेविंग कर रहे हैं, तो ऐसे के माध्यम से मुंह का कैंसर का बढ़ने का क्या कारण हो सकता है सर? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुंह का कैंसर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। इसका मेन रीज़न जो आप सभी जानते हैं, तंबाकू, गुटखा, खर्रा, बार, इनका सेवन, ये बहुत देर मुंह में रखने की आदत, बीड़ी, सिगरेट और साथ में दारू का सेवन, ये सब चीज़ें मिलाकर मुंह का कैंसर बढ़ाने में उसका सहभाग लेती है। छोटे बच्चों से लेकर तो बुज़ुर्ग तक, हमारे देश में स्त्री रहो या पुरुष रहो, इन सब चीज़ों में तंबाकू का सेवन करने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और यही एक मेन रीज़न है कि हमारे देश में मुंह के कैंसर बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेस और कुछ हेरिडिटरी कॉजेस भी होते हैं जिसके वजह से मुंह का कैंसर हमें मिलता है। डॉक्टर साहब, ये मुंह का कैंसर हो गया है, ये कैसा समझा है? इसके लिए कौन सी टेस्ट होती है और उस पर उपचार किस प्रकार किया है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। मुंह का कैंसर होने के बाद में पेशेंट को मुंह के अंदर कोई छाला जो जख्म 20-25 दिनों में नहीं भर रही है वो नज़र आएगी, मुंह में, जबान में या मुंह के अंदर कोई भी भाग को, तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। उसके लिए कोई बड़े बड़े टेस्ट नहीं होते हैं, बहुत मामूली टेस्ट होता है जो कि अंदर मुंह का एग्जामिनेशन करके हमको उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता है, उसको हम हमारी भाषा में बायोप्सी कहते हैं, जिस बायोप्सी की वजह से हमें पता लगता है कि ये जो अंदर छाला है या गांठ है वो कैंसर की है या नहीं है। बायोप्सी एक हमारी मेन टेस्ट होती है, अगर उसमें कैंसर आता है तो फिर हमें आगे जाके और सीटी स्कैन, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे जैसी जांचें करने होती है, यही देखने के लिए वो वहाँ तक सीमित है या और भी कहाँ पर फैला हुआ है। अगर वो जांचें करने के बाद फिर कैंसर की स्टेजिंग बनती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। बड़े बड़े पैमाने पर पेशेंट मुंह के कैंसर का स्टेज 4A तक का पेशेंट हम ऑपरेशन से उसका इलाज कर सकते हैं। स्टेज वन और टू के पेशेंट हम इलाज से पूरी तरह क्यूरेटिव कर सकते हैं। इसमें जैसे जबान का अगर कैंसर है तो हमें वहाँ का 1 सेंटीमीटर एडिक्वेट मार्जिन लेके वाइड लोकल एक्सीजन करना होता है और गले में उसकी गाँटी जाती है, साथ में उसका नेट डिसेक्शन करना पड़ता है और ऑपरेशन करने के बाद में उसका जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में उसका रिपोर्ट देखने के बाद में तय होता है कि और उनको कोई रेडिएशन लेना है या साथ में कीमो रेडिएशन भी लेना है। यही मोटे मोटे पैमाने पर मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करता है।
पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट होता है तो पूरा परिवार विस्कुलित हो जाता है। ऐसे टाइम में उनको फिक्र रहती है कि हम खर्चा कैसा करें, ये तो बहुत बड़े खर्चा होता है। तो शासन ने इसके बारे में कुछ ऐसा नियोजन या प्रायोजन किया है तो आप बताइए कि आप कौन से इसमें अपन उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं आरोग्य जन जागृति के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कैंसर जैसे भयावह आजार के लिए काफ़ी खर्चा आता है, वो किसी भी परिवार के लिए बड़ा हादसा होता है, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। यही समझकर हमारे गवर्नमेंट ने हर स्टेट में, और जैसे कि हमारे स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना चालू की है। इस योजना के अंतर्गत आप कैंसर की ट्रीटमेंट, अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप उस योजना के अंतर्गत कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज मुफ्त में कर सकते हैं। लोटस क्लिनिक जो कैंसर क्लिनिक खोला है, हमने फ्रंट में ही देखा कैंसर फाइटर आपने वर्ड दिया है, इसका क्या डेफिनेशन है और कैंसर फाइटर क्यों बोला गया? कैंसर फाइटर, हम अगर कैंसर पेशेंट बोलने से, किसी पेशेंट को कैंसर फाइटर से अगर संबोधित करते हैं तो इससे उस पेशेंट की और उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स है, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स है, बेटे, बीबी, बहन, उनका मानसिक हौसला और बढ़ जाता है, जिस हौसले की वजह से ये कठिन ट्रीटमेंट समय से हम कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास से हम हमारा सफ़र कर सकते हैं। ऐसे करने से पेशेंट के मन में एक पॉजिटिविटी आती है, रिश्तेदारों के मन में एक पॉजिटिविटी आती है, और उस पॉजिटिविटी की वजह से ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी अच्छे से होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी एक खुद डॉक्टर होकर भी वो उनके बहुत कम आयु में कैंसर से पीड़ित हुए थे, लेकिन तब हमारी उम्र काफ़ी कम थी, फिर भी कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हुए वो कभी ही नेगेटिव माइंड से उन्होंने सोचा नहीं, कभी वो निराश नहीं हुए। हालांकि उन सब चीज़ों को उन्होंने डट के मुकाबला करके मल्टीपल कीमोथेरेपीज लिए, मल्टीपल रेडिएशन लिए, मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिए, और उन्होंने कैंसर जैसे दुर्धर आजार पे, जो कि उनका स्टेज 4 कैंसर था, उन पे उन्होंने जूझ के मुकाबला करके वो 7 साल जिए। इसलिए हम उनको कैंसर फाइटर के नाम से, कैंसर फाइटर की उपमा से उनको संबोधित करते हैं। डॉक्टर साहब, एज अ कैंसर तज्ञ आपने बहुत से पेशेंट कैंसर के देखे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैंसर से बचे? मैसेल्फ डॉक्टर धनंजय भगवान राव घुगे, आई एम ए कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं लोटस कैंसर क्लिनिक एंड सोनोग्राफी सेंटर औरंगपुरा औरंगाबाद में इवनिंग में कंसल्टेशन करता हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, और कैंसर के पेशेंट्स के संबंधित सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी संबंधित कामकाज मैं कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ पर करता हूँ। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, कैंसर जो 20-30 साल पहले हम डरते थे कि कैंसर का नाम सुनते ही सभी डर जाते थे, आज वो कंडीशन नहीं है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर टाइम पे अगर हम कैंसर तज्ञ से सलाह मसलत करते हैं तो हम कैंसर पे मात करके कैंसर को क्योर भी कर सकते हैं। याद रहे, स्टेज इज द वेरी इम्पोर्टेंट, स्टेज पे ही कैंसर का ट्रीटमेंट अवलंबित होता है। मैं सभी दर्शकों को, महिला युवाओं को बताना चाहूँगा कि कैंसर होने के न होने के कई कारण हैं। मुंह के कैंसर के लिए तंबाकू सिगरेट जैसे मैंने बताया, महिला में स्तन का कैंसर, गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर, ये भी काफ़ी प्रमाण में होते हैं। इसीलिए सबसे मेन, जब हम 40-50 साल के आसपास हमारी उम्र हो जाती है तब हम हमारी किसी भी तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें, उस संबंधित डॉक्टर को दिखा के उनकी ट्रीटमेंट कर ले, जांचें कर ले, ताकि हमारी बीमारी, हमारा कैंसर अर्लीस्ट स्टेज में हमको पकड़ में आएगा और हम उसको पूरी तरह से क्योर करने में सफल हो पाएंगे। कैंसर अगर हम इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस नहीं करते हैं तो ये स्टेज 1 से स्टेज 2 होने में कहीं भी कभी भी देर नहीं लगती है, और स्टेज बढ़ते ही
हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उसी के साथ कम हो जाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास, कैंसर तज्ञ के पास जाके ट्रीटमेंट लेना, यही सबसे उचित उपाय कैंसर पे मात करने के लिए है। और युवाओं में आजकल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अगर हम बाल आयु छोड़ दें तो हर चीज़ के लिए, हर आदमी को, चाहे वो गरीब रहे, अमीर रहे, कोई भी रहे, उसको उस लेवल का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस पे मैनेजमेंट करने के लिए हम उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखे, कैसे हम उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसा कम कर सकते हैं वो देखें। बहुत सारे युवाओं को स्ट्रेस है, इसी के लिए तंबाकू सेवन, बीड़ी सेवन, सिगरेट, दारू, इसकी इनकी आदतें लगे हुई हैं। तो ये जो बैड हैबिट्स होते हैं, इनको हम कंट्रोल में रखें। ये आपको कुछ टाइम के लिए खुशी देंगे, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा मूड करेंगे, ये कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको इसकी आदत लग जाती है और इसका रूपांतर बाद में आपको बीमारियां लगने में, कैंसर के अलावा और भी बीपी, डायबिटीज़ होने में भी आपका काम खराब कर देती है। इसलिए युवाओं को तो मेरी विनती है कि वो कोई भी प्रकार के बैड हैबिट्स को ना रखें और तुरंत उसको छोड़ दें। देखा दर्शकों, लोटस क्लिनिक के संचालक डॉक्टर धनंजय घुगे साहब, जो कैंसर तज्ञ है, इन्होंने बखूबी अपने को अच्छे से समझाया कैंसर से बचाव कैसा करें, कैंसर ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले, कैंसर होने के बाद उसका उपचार कैसा करें, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह जानकारी दी गई है। तो हम भी यही आशा करते हैं डॉक्टर धनंजय साहब ने जो बताया है उसके ऊपर हम अमल करें और कैंसर से बचाएं, कैंसर मुक्त भारत बनाएं।